पिछले कुछ महीनों में चाइना के खिलाफ लोगों में गुस्सा तो बढ़ा ही है, साथ ही आत्मनिर्भर भारत की चर्चाएं भी खूब चल रही है। तो आज हम बात करेंगे ऐसे 5 गेम्स की जिनका संबंध भारत से है और जिनकी डेवलपिंग भारत में हुई है। स्वागत है हमारे YouTube चैनल टॉप वर्ल्ड पर। नंबर 5 पर है रियल क्रिकेट। भारत में अगर आप किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे तो निश्चित रूप से सबसे पसंदीदा खेल क्रिकेट ही बताया जाएगा। गूगल की प्ले स्टोर पर कई सारे क्रिकेट गेम के ऐप मौजूद हैं, पर उनमें से एक है रियल क्रिकेट, जो हाल ही के वर्ष में ज़्यादा उभरा है। रियल क्रिकेट 20 हाल में आया इसका लेटेस्ट एडिशन है, जिसके 10 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड हो चुके हैं और गूगल प्ले स्टोर पर इसे 4.1 की रेटिंग भी मिली है। खास बात यह है कि यह गेम आप ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों मोड पर खेल सकते हैं। नंबर 4 पर है बॉनफायर फॉरसेकन लैंड्स। यह गेम भारत के ही डेवलपर हिमांशु मानवानी व गोवर्धन गोसावी ने बनाया है। इस गेम को आप शुरुआत के 6 दिन फ्री खेल सकते हो, लेकिन गेम के फुल वर्जन को डाउनलोड करने के लिए आपको कुछ डॉलर या लगभग 300 रुपये चुकाने पड़ेंगे। इस गेम ने हाल ही में गूगल प्ले बेस्ट ऑफ 2019, विनर फॉर बेस्ट इंडे 2019 और बेस्ट इंडे गेम्स ऑफ ईयर IGDC 2018 के खिताब भी अपने नाम किए हैं। इस गेम के अब तक 1 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड हो चुके हैं और प्ले स्टोर पर इसे 4.1 की अच्छी रेटिंग भी मिल चुकी है। नंबर 3 पर है इंडियन एयरफोर्स अ कट अबव। यह गेम 2019 में ही लॉन्च हुआ है और इस गेम ने आप एक इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर के रूप में दिखाई देंगे। इस गेम में इंडियन एयरफोर्स के पायलट अभिनंदन को ट्राइबूट दिया गया है। इस गेम की शुरुआत आप उड़ान भरने से लेकर 10 मिशन को डिफरेंट ऑब्जेक्टिव से पार करना सीखेंगे। इस गेम के 1 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड हो चुके हैं और 4.7 की बढ़िया रेटिंग भी प्राप्त है। लूडो किंग एक भारतीय कंपनी फ्री टू प्ले मोबाइल गेम द्वारा बनाया गया है, जिसके मालिक विकास जायसवाल है। इस गेम को आप घर में बोर होते वक्त दोस्तों व फैमिली मेंबर्स के साथ खेल सकते हैं। यह गेम आजकल हर किसी के स्मार्टफोन में मिल जाएगा, तभी तो इस गेम के 100 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं और 4.2 की रेटिंग भी मिली हुई है। हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर है फौजी। पबजी मोबाइल गेम बैन होने के बाद से अब यह गेम काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है, हो भी क्यों ना। इस गेम की डेवलपिंग भारत की यह कंपनी एन कोर गेम्स द्वारा की गई है। बैटल रॉयल गेम खेलने वाले प्लेयर्स के लिए ये कंपनी इस गेम पर पिछले कई महीनों से काम कर रही है। इस गेम का पूरा नाम है फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स, यानी फौजी। इस गेम के भारतीय बाजार में अक्टूबर तक रिलीज होने की संभावना है। इस गेम में मनोरंजन तो होगा ही, साथ ही हमारे वीर सैनिकों के बलिदान के बारे में भी लोग जान सकेंगे। तो कैसे लगे आपको ये गेम और आप इनमें से कौन सा गेम खेलना चाहेंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।